भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स, तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और 10वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CGBSE ने राज्य में COVID-19 मामलों में आ रहे स्पाइक को देखते हुए कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं 15 अप्रैल से 1 मई तक 10वीं की ये परीक्षा आयोजित होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इसको स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की थी कि क्लास 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी दूसरी क्लासेस के छात्रों को बिना एग्जाम के यानी कि बगैर एग्जाम दिए अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। ये आदेश छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा दिए गए थे। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के CM ऑफिस ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा राज्य के कोरोना में के बढ़ते संक्रमण को और कई जिलों में लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं की परीक्षाएं जो कि 15 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली थी, उन बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इस आदेश के मुताबिक सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे और 10वीं 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस के छात्रों को बिना परीक्षा लिए ही अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। साथ ही फिलहाल जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसने 10वीं की परीक्षा की नई डेट्स की घोषणा अभी तक नहीं की है। और ये भी बता दें आपको कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कोई बदलाव होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी अभी तक सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा जारी नहीं की गई है, लेकिन 10वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो 3 मई से 24 मई तक होने वाली है। इसको लेकर ये होगी या इसको स्थगित कर किया जाएगा इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 10वीं के बोर्ड एग्जाम फिलहाल सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रशासन ने स्थगित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।